होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में कल मैंने उसका बेसिक, उसका इंट्रोडक्शन जो था वो क्लियर किया। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को होल्ड करती है, ये मेनली एक होल्डिंग कंपनी का अकाउंट कंटेन करेगा। अब आज एक एग्जांपल लेंगे और इससे कि होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में बैलेंस शीट जो है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसके कल कंटेंट्स मैंने आपको बताए, कुछ वर्किंग नोट्स पहले हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उन वर्किंग नोट्स के बाद फिर हम वो प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और हमें कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा, कैसे वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ये मेनली आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो दो कंपनीज के यहाँ पर बैलेंस शीट दिए हुए हैं, एक अशीमा लिमिटेड और सोनी लिमिटेड, एज ऑन 31 मार्च 2016। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो डेट ऑफ बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2016 है। बैलेंस शीट एसेट कंटेन कर रहा है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर उसने डिटेल दी है, शेयर्स इन सोनी लिमिटेड 105 नंबर्स ऑफ शेयर्स है एट कॉस्ट। यहाँ पर 1,05,000 नंबर ऑफ शेयर्स है होल्डिंग के पास, अशीमा के पास। एक बेसिक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो फर्स्ट बैलेंस शीट होगा ये हमेशा होल्डिंग कंपनी का होगा और सेकंड जो बैलेंस शीट होगा वो हमेशा सब्सिडियरी कंपनी का होगा, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है होल्डिंग के बुक में, वेर एज लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी का, सोनी लिमिटेड का बिल रिसीवेबल दिया हुआ है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है दोनों का, अशीमा का और सोनी का, क्रेडिटर्स दिया हुआ है और बिल्स पेबल दिया हुआ है। यहाँ पर जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड बैलेंस शीट डायरेक्टली जो अपियर नहीं होगा, ये होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा और सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं दिखेगा डायरेक्टली। बाकी जितने कंटेंट्स है सिंपल ऐड कर कर रिकॉर्ड करते जाने हैं। होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसोलिडेटेड कंबाइंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। अशीमा लिमिटेड ये जो है ये होल्डिंग कंपनी है और अशीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पर ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने दो इन्फॉर्मेशन सिर्फ दी हुई है और कहा है कि प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ये दो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर उसने कहा है कि अशीमा लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने शेयर एक्वायर किए, एक्वायर द शेयर ऑफ सोनी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2015। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2015। द बिल पेबल ऑफ अशीमा लिमिटेड रिप्रेजेंट्स 15,000 इश्यूड इन फेवर ऑफ सोनी लिमिटेड। ये इंटरनल इंडेटेडनेस है, इंटरनल ओइंग्स है बेसिकली, एक के रिसीवेबल दूसरे के पेबल्स। इस तरह से अशीमा के बिल पेबल है एंड डेफिनेटली सोनी के बिल रिसीवेबल है, इस तरह से कि एक की बुक में बिल पेबल, एक की बुक में बिल रिसीवेबल दिख रहा है और इसमें इंटरनल है 15,000 रुपीज़ का बिल रिसीवेबल बिल पेबल में। तो ये इतनी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, इन डिटेल्स से यहाँ पर हम पहले कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ जो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है लिमिटेड और सेकंड जो कंपनी है वो सब्सिडियरी कंपनी है सोनी लिमिटेड, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है हमारे लिए बैलेंस शीट में, तो शेयर कैपिटल सब्सिडियरी का, होल्डिंग के शेयर कैपिटल से हम कंसर्न नहीं है, सब्सिडियरी के शेयर कैपिटल से हम कंसर्न है। अगर टोटल कैपिटल सब्सिडियरी का 17,50,000 है और एक शेयर अगर ₹10 का है, ये जो पर शेयर फेस वैल्यू है होल्डिंग की, कितनी पर शेयर है हमको नहीं पता, मे बी वो ₹10 हो सकती है या वट एवर भी, अगर ₹10 भी है तो ठीक है, बट मेनली हमारे लिए ये जो फेस वैल्यू है ये काम की है सब्सिडियरी के लिए। तो सब्सिडियरी के अगर टोटल कैपिटल सब्सिडियरी में 17,50,000 रुपये का है और एक शेयर अगर ₹10 का है, तो 17,50,000 रुपये को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो टोटल नंबर आपको पता चल जाएंगे, दैट विल बी 1,75,000 नंबर, 1,75,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ₹10 का एक, इस तरह से 17,50,000 ये सोनी लिमिटेड का शेयर कैपिटल बना है। तो यहाँ पर ये जो नंबर मैंने कैलकुलेट किए ये हमको करना पड़ेगा डेली। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मुझको फाइंड आउट करना था कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोनी लिमिटेड में कितने हैं, तो वो मैंने कैसे फाइंड आउट किए कि टोटल कैपिटल, अगर टोटल वैल्यू 17,50,000 है, एक शेयर अगर 10 का है, देन 17,50,000 को पर शेयर वैल्यू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे।
देन 1,75,000 इंटू 10 विल बी 17,50,000। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सोनी लिमिटेड के पास 17,50,000 के जो नंबर है, टोटल शेयर कैपिटल है उसमें 1,75,000 के शेयर्स हैं। तो सोनी के पास अगर टोटल शेयर 1,75,000 इनकी कंपनी में, इसमें से होल्डिंग के पास 1,05,000 नंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप हमको देखना पड़ेगा। तो होल्डिंग डेफिनेटली है 1,75,000 का हाफ, मोर देन हाफ है 1,05,000। तो 1,05,000 अगर इनके पास शेयर्स है देन डेफिनेटली ये होल्डिंग है। जो बचे हुए शेयर है 1,75,000 में से अगर 1,05,000 अशीमा के पास है, तो बचे हुए 70,000 जो शेयर्स है दैट विल बी बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी के पास है, वो माइनॉरिटी में एक है, दो है, सौ है, वी डोंट नो, तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं। ये दो चीज़ें यहाँ पर बैलेंस शीट से मैंने कैलकुलेट की, बैलेंस शीट से फाइंड आउट कर ली। इस यहाँ पर दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है, डेट ऑफ एक्विजिशन, अशीमा लिमिटेड का डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर 2015। तो 1 अक्टूबर 2015 को अगर अशीमा लिमिटेड ने ये शेयर एक्वायर किए हैं, और 1 अक्टूबर अगर हम साल के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2016 अगर हमारा कंप्लीट ईयर है, 31 मार्च 16 पर अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है, देन इट बिगिंस ऑन 1 अप्रैल 15। तो 1 अप्रैल 15 to 31 मार्च 16 ये हमारा कंप्लीट ईयर है, और 1 अप्रैल 15 ये ईयर एंड अगर ये हो, तो साल भर का फॉर द ईयर डेफिनेटली ये बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी डेट विल बी 1 अप्रैल 15। तो 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 ये कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल 15 से लेकर 1 अक्टूबर 15 तक 6 महीने होते हैं, और 1 अक्टूबर 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक 6 महीने होते हैं। तो ये एग्जैक्ट ये जो टाइम मैंने पीरियड कैलकुलेट किया, टाइम रेशियो जो मैंने फाइंड आउट किया, ये हमें हेल्प करेगा इस प्रॉफिट को डिवाइड करने में। अभी यहाँ पर आज सब्सिडियरी की बुक में एक ही प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर साल भर का, दैट विल बी 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक का साल भर का प्रॉफिट अगर 2,62,000 है, आधा साल मिड पीरियड में अगर कंपनी एक्वायर हुई है, होल्डिंग बनी है, तो आधे साल का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, इसका हाफ प्रॉफिट, और आधे साल का प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। ये हमको आगे चलकर वर्किंग नोट्स में डिवाइड कर लिखना पड़ेगा, और बाद में फिर जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये बिल पेबल हम रिकॉर्ड करेंगे। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले जो हमको वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी वो वर्किंग नोट होगी, तो वो वर्किंग नोट में फर्स्ट जो वर्किंग नोट होगी दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट होगी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, हमको कैलकुलेट करना है होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच का रेशियो। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते वक्त ये फर्स्ट जो है सोनी लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स है, जो अभी मैंने आपको बताया कि सोनी लिमिटेड में 1,75,000 शेयर्स है, अगर 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं तो 17,50,000। 1,75,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू, तो 1,75,000 ये सोनी लिमिटेड में शेयर्स है। नाउ सोनी लिमिटेड के जो शेयर्स है 1,75,000 के, इन शेयर्स में होल्डिंग के पास है, अशीमा लिमिटेड के पास है, और माइनॉरिटी के पास है कितने शेयर्स, तो यहाँ पर उसने बताया है, यहाँ पर उसने ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैलेंस शीट में दी हुई है कि इनके पास होल्डिंग के पास जो है ये अशीमा के पास जो है 1,05,000 नंबर है, यहाँ से ये वैल्यू ले रहा हूँ, 1,05,000 अगर इनके पास नंबर्स है तो डेफिनेटली 1,75,000 में से अगर 1,05,000 इनके पास है तो रिमाइंडर विल बी 70,000। 1,05,000 अशीमा लिमिटेड के पास, 70,000 माइनॉरिटी के पास, देन इसका रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं तो 35 से डिविजिबल है, 35 2 जा 35 3 जा, इस तरह से, तो ये 3:2 ये जो रेशियो है ये आज का इनका प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ये रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, या प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ये रेशो का हम यूज़ करेंगे। तो 3 लाख ये 3:2 ये रेशो से प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करेंगे। नाउ अब जो अगले कैलकुलेशन हमको करने हैं, सेकंड जो कैलकुलेशन है दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ से अब जो अगली वर्किंग हमको बनानी है, कैपिटल प्रॉफिट की वर्किंग नोट बनानी है, और कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना मैंने बता दिया यहाँ पर। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि वो प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर दिख रहा है, साल भर का ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिख रहा है सब्सिडियरी में 62,000 रुपीज़, ये प्रॉफिट यहाँ पर मेनली हम डिवाइड करेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर हाफ ईयर फ्रॉम 1/4/15 to 1/10/15, ये आधे साल का प्रॉफिट है, दैट विल बी 1,21,000 का ये जो प्रॉफिट है। तो होल्डिंग का इसमें शेयर होगा और माइनॉरिटी का शेयर होगा, अशिमा का शेयर होगा और माइनॉरिटी का शेयर होगा, तो 1,31,000 × 5, ये यहाँ पर टोटल पांच हिस्से हैं, तीन हिस्सा है होल्डिंग का, यहाँ पर अशिमा का कैलकुलेट किया हुआ है। सेम इसी तरह से दो हिस्सों के लिए माइनॉरिटी को शेयर देंगे, तो 78,600, 52,400 ये शेयरिंग है इनका। तो ये जो 1,31,000 है ये होल्डिंग और माइनॉरिटी में इस तरह से डिवाइड होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज दोनों इक्वल है, 1,31,1,31,2,60,000 रुपीज़ इस तरह से ये डिवीजन यहाँ पर हमने किया है। तो सेम जैसे कैपिटल प्रॉफिट को डिवाइड किया वैसे को भी डिवाइड करेंगे, वर्किंग नोट विल बी रेवेन्यू प्रॉफिट। ये वर्किंग नोट्स हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ये कॉन्स्टेंट वर्किंग नोट्स होगी हमारे प्रॉब्लम्स में। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। आज का कैपिटल और रेवेन्यू दोनों इक्वल है बट पीरियड बेस है। प्रॉफिट फॉर हाफ ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर से मार्च 16 तक ये है, अप टू 31 मार्च 6, 1 अक्टूबर 15 से 31 मार्च 16 तक का ये प्रॉफिट सेम भी रहने वाला है, 1,31,000। देन अशीमा लिमिटेड और माइनॉरिटी के बीच में डिवाइड होगा, 1,31,000, 1,31,000 3/2, 2/5 and 2/5 से डिवाइड होगा। तो इसका शेयर वही आने वाला है 78,600 और इसका शेयर भी वही 1,400। यहाँ पर ये कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट डिवाइड किया, ये वर्किंग नोट प्रिपेयर की। अब ये वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेने के बाद, अब अगला जो है इतना वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेने के बाद, नेक्स्ट जो वर्किंग नोट हमको प्रिपेयर करनी है दैट विल बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पहले तो उनके पास शेयर जो है, माइनॉरिटी के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है 70,000 नंबर्स इंटू 10, ये मेनली हम यहाँ पर लेंगे। तो 70,000 शेयर लिमिटेड एट ₹10 ई, ये हो गया टोटल 7 लाख रुपए। और ये दोनों प्रॉफिट में उनका शेयर, कैपिटल प्रॉफिट में उनका शेयर माइनॉरिटी का और रेवेन्यू प्रॉफिट में उनका शेयर ऐड कर देंगे। देखो ये कैपिटल जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, कैपिटल इन शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों सेम अमाउंट है। आज के प्रॉब्लम में दोनों इक्वल था तो ये जो दोनों है अमाउंट है वो सेम है। टोटल ऑफ माइनॉरिटी विल बी 8,04,000। इस तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट, नेट माइनॉरिटी को जो मिलेगा वो ये वैल्यू मिलेगा। नाउ अगले जो वर्किंग नोट है, नोट नंबर 5, दैट ऑफ कंट्रोल हमको कैलकुलेट करना, गुडविल। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल कैसे कैलकुलेट कर, शेयर्स हमने एक्वायर किए 1,05,000 × 10 अगर करूँ तो 10,50,000 ही होता है, बट हमने खरीदा है इसको 16,65,000 में, शेयर हमने प्रॉफिट से खरीदे या लॉस से खरीदे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, 1,05,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ सोनी लिमिटेड एट कॉस्ट जो था हमारे लिए, उसकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज दैट इज 16,65,000 है, 60,65,000 ये डेबिट बैलेंस है। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल में इनका जो शेयर है 1,05,000 नंबर 10 रुपए के हिसाब, तो वो जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट गया इस वर्किंग नोट में 7 लाख इस वर्किंग नोट, और बाकी का शेयर कैपिटल का पार्ट इस वर्किंग नोट कट किया। वैल्यू ऑफ 1,05,000 शेयर हो गया 10,50,000, 65,000, 10,50,000 विल बी ये कैपिटल लॉस है 6,15,000 का, इसमें से लेस करेंगे, इस लॉस को कम करेंगे, लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट में। कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर हमारा हिस्सा था कैपिटल प्रॉफिट 78,600, यहाँ पर हम लेस करेंगे 15,000 में से, नेट जो वैल्यू बचेगी है 5,30,000। ये जो 5,36,000 ये गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पर हमने जो शेयर एक्वायर किए सिंपल सा ये है, अगर 16,65,000 में एक्वायर किए थे, 10,05,000 और प्रॉफिट अगर डेट तक का लेस कर देते हैं, 5,36,000 कॉस्टली खरीदा ये शेयर, डेबिट बैलेंस है, गुडविल है, विल बी अपियर इन द बैलेंस शीट। तो अभी हम कंबाइन बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले के एसेट साइड में ये गुडविल 5,00,000 होगा। तरह से ये वर्किंग नोट नंबर 5 कंप्लीट। लास्ट वर्किंग नोट है कंसोलिडेटेड लॉस,
एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे पर कंबाइन कर ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, इस बैलेंस शीट से बैलेंस लिया लाख 20,000, होल्डिंग का बैलेंस प्रॉफिट का लाख 20,000 बैलेंस यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बैलेंस है 6,20,000 का। और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ये होल्डिंग का रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर 78,600। देखो ये जो कैपिटल प्रॉफिट वाला शेयर था ये तो ऑफ कंट्रोल में चला गया 78,600, माइनॉरिटी के दोनों हिस्से माइनॉरिटी में चले गए, नहीं ये पूरा प्रॉफिट डिवाइड हो गया है तो ये यहाँ पर अब ऐड करेंगे लास्ट एड प्रॉफिट होल्डिंग का टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस साइड देखे 98,600 ये बैलेंस शीट है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पर दिखेगा। अब ये इतना रिकॉर्ड कर लेने के बाद, ये प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेने के बाद, ये इतनी वर्किंग नोट्स हमको डेली जनरली प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इसमें और वर्किंग नोट्स बढ़ेगी, एक और वर्किंग नोट इसमें बढ़ सकती है, तो कैपिटल प्रॉफिट की जगह कैपिटल लॉस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ रेशियो फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट सेकंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट थर्ड वर्किंग नोट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये इतनी वर्किंग नोट्स बनाने के बाद अब हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक कंबाइंड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अशीमा लिमिटेड, यहाँ पर उसका टाइटल देना पड़ेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अशीमा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी सोनी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2016, ये बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये लाइबिलिटीज और एसेट्स, पहले एसेट्स को कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले नाउ बी केयरफुल, देखो ये जो वर्किंग नोट्स हमने बनाई थी इसमें जो कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, ये जो पहली दो वर्किंग नोट थी वो अगली वर्किंग नोट्स में आ गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली बैलेंस शीट में, एक तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना नहीं भूलना, और ये क्रेडिट बैलेंस है, शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस विल अपियर इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये गुडविल है डेबिट बैलेंस, तो ये जो 5,36,400 का गुडविल डेबिट बैलेंस है लॉस है, ये अपियर होगा बैलेंस शीट एसेट साइड सबसे पहले। गुडविल एज पर वर्किंग नोट नंबर 5, 5,36,400 ये गुडविल यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब सीक्वेंस में एसेट्स को ऐड करते जाना है, ये 8,50,000 अशीमा का और 87,000 सोनी लिमिटेड का बिल्डिंग है यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये बिल्डिंग है दोनों का, अशीमा का और सोनी लिमिटेड का, उनकी वैल्यूज़ हैं 8,50,000 और 87,000, तो टोटल कर सिर्फ आउटर लेना है, दैट विल बी 9,37,000। ये दोनों का बिल्डिंग एडिशन किया और आउटर लिया। इस तरह से अगली एसेट्स भी ऐड करनी है, मशीनरी स्टॉक डेटर, यहाँ तक ये एसेट्स मैं ऐड कर बता देता हूँ। तो नेक्स्ट एसेट है मशीनरी, अशीमा का सोनी लिमिटेड का वैल्यू ऑफ मशीन विल बी, अशीमा की वैल्यू ऑफ मशीन है 23,27,000 की, तो ये दोनों की टोटल अशीमा की 23,27,000 और 12,35,000, एंड द वैल्यू विल बी, फाइनल वैल्यू विल बी 35,62,000, ये फाइनल वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट है स्टॉक, अशीमा का और सोनी का 8,40,000 और 4,00,000, 8,40 और 4,25, टोटल्स ध्यान से लिखनी है, 12,65,000 ये स्टॉक रिकॉर्ड किया दोनों का। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स में वैल्यू है 8,35,000, सोनी का 5,37,000,
फाइनल टोटल विल बी आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ये वाला जो लेक्चर है मैं पर अपलोड करने ही वाला हूँ। डाउट्स है पूछना, ठीक है चलो लेफ्ट हो जाएंगे। मीटिंग लेफ्ट करेंगे।